भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सोलन के चिल्ड्रन पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए योगदान को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता के दौरान किए गए योगदान और उनकी दूरदर्शिता सोच को याद करते हुए युवाओं को उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 वर्षों तक देश की बागडोर संभाली। इस दौर को भारत में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं को याद करते हुए उनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया और युवाओं को भी उनकी सोच से अवगत करवाया। आज सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर आज बाल दिवस के रूप में से मनाया और पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के वो प्रधानमंत्री रहे जिनको इस पूरे भारतवर्ष में स्वर्णिम युग 17 वर्ष तक वो प्रधानमंत्री रहे और इस युग को स्वर्णिम युग से जाना जाता है। और आज जितने भी कांग्रेस जनों ने प्रण लिया है कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम इस देश में जो हमारी धरोहर है, प्यारे बच्चे हैं, उनके प्रति मान सम्मान और उनके प्रति प्रेम रखें और हम सभी लोग हिमाचल प्रदेश एक आदर्श राज्य आज जो बना है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।